साथ में स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले राइटर परवेज शेख एंड वी हैव यू आल्सो हियर प्रोड्यूसर्स मिस्टर भूषण कुमार एंड मिस्टर अपूर्वा सेन गुप्ता प्लीज कैन वी हैव यू हियर थैंक यू सो मच ऑल्सो ऑब्वियसली इस स्टेज पर अभी मैं यहाँ पर इनके बाद में इरफान खान को जरूर बुलाती लेकिन एज वी ऑल नो कि वो ट्रीटमेंट के लिए गए हुए हैं सो वी कैन ओनली होप एंड प्रे कि जितनी जल्दी हो सके ही विल बाउंस बैक एंड ही विल कम बैक सून एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस बट इसी के साथ में मैं अभी बुलाना चाहूँगी बाकी पूरी की पूरी कास्ट को ऑन स्टेज द सुप्रीमली टैलेंटेड कीर्ति कुल्हाड़ी द हैंडसम हंग अरुणोदय सिंह An actor par excellence, Divya Datta, the incredible Pradhuman Singh, the brilliant Anuja Sathe. Can we have you all on stage, please? कुछ और भी लोग हैं. Yes, please, please, yeah, please. ताली बजाइए. कुछ और भी लोग हैं जिनका contribution to the film is immense, and I would like to call them on stage as well. President Marketing, Media and Publishing, Mr. Vinod Bhanushali. Co-producer, Priya Gupta and Senior VP Films, Mr. Shiv Chanana. Can we have you on stage? Wow, thank you so much. That's the whole family, blackmailing family. I don't think we need to blackmail these people to come and watch the film. It actually is that interesting. Ki khud se aana chahiye. Let's have a quick photo op. Before we move on to the question and answer session. Thank you so much. All right, so can we have some mics given to the media members? Do we have it already? Okay. So let's direct the questions. ट्रेलर और डायलॉग प्रोमो बड़े अच्छे अच्छे से हैं तो आप सबको बधाई है मेरा सवाल पहले भूषण जी से भूषण जी एक तरफ सोनू फिर अभी आज रेड बड़ी अच्छी ओपनिंग शुरुआत हुई कंटेंट से जुड़ता जा रहा है टी सीरीज एक एक करके क्या कहना चाहेंगे आप सी काफ़ी टाइम से आप देखिए हर बार कॉन्टेंट ही लोग देखना पसंद करते हैं और आजकल आप फिक्शन ज़्यादा फिल्में बनाते हैं जो रियलिटी से हटके होती हैं तो आपको कुछ अलग ट्राई करना पड़ता है जैसे हमने ब्लैकमेल में किया है एक अलग वो चीज़ है काफ़ी लोगों ने जब ये प्रोमो देखा तो ये बोला कि यार ये मतलब किसी ने इमेजिन ही नहीं किया था इस तरीके से भी आप फिल्म बनाई जा सकती है सो यस एज टी सीरीज़ हमारा हमेशा यही रहता है कि हम कुछ अलग हटके दें या कुछ रियलिटी बेस्ड चीज़ करें आज रेड एक रियल रियल इंसान के ऊपर इनकम टैक्स रेड जो रियल रेड हुई थी उसके ऊपर हमने बनाई है और ये ब्लैकमेल इट्स वेरी मैंने फिल्म देखी है बहुत बहुत ज़बरदस्त फिल्म है बहुत ही इंटरटेनिंग फिल्म है और इरफान खान ने बहुत बहुत अच्छी एक्टिंग की है इसमें सब लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया अभिनव सर आप इतना वक्त क्यों ले लेते हैं अभी भी हम पढ़ रहे थे कि फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ डेली बेली नहीं नहीं इससे काफ़ी फिल्में की हैं बीच नहीं नहीं फिल्में बट एक आपके सवाल का जवाब एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि मुझे लगता है कि जब कोई समय लेके अच्छे से प्यार से जब फिल्म बनाता है तब मेरे ख्याल से ऐसी फिल्म बनती है तो मेरे ख्याल से टाइम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि कितना समय लिया है क्या बनाया है आई थिंक दैट इज़ वॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट शुड बी एंड आई लव टू टेक माई टाइम टू मेक माई फिल्म बट फिर भी दिल्ली बेली से लेके अब तक काफ़ी कुछ 24 यू नो फोर्स टू बहुत सारी यू नो बड़ी प्रोजेक्ट्स हुई हैं लेकिन आई कैन ओपनली से दैट दिस इज़ वन ऑफ माई बेस्ट वर्क एंड दिव्या ब्लैकमेल की बात हो रही है आप कभी घर में ब्लैकमेल करती थी किसी को किसी चीज को पाने ब्लैकमेल तो हर वक्त चलता है ना तो वो तो होना भी चाहिए आई थिंक दैट्स लाइफ यहाँ पर खैर इस फिल्म में वो नहीं हो रहा है इट्स टोटली ऑपोजिट एंड आई थिंक द रीजन आई टोटली एंजॉयड डूइंग दिस फिल्म बिकॉज बहुत कम होता है कि एक्टर्स को आप उन रोल्स के लिए जिन्हें आप पसंद किए जाते हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ कुछ दिया जाए सो आई थिंक आई रियली थैंकफुल टू अभिनय फॉर सीइंग मी वेरी डिफरेंटली एंड गिविंग मी अ क्रेजी मैड रोल And so I'm going to emotionally blackmail him again for the next one. Kirti, अगर आप इंडस्ट्री में किसी को ब्लैकमेल करना चाहें तो किसे करेंगी और क्यों मैं रणबीर को ब्लैकमेल करना चाहूंगी कि ऑफ कोर्स वो मुझे एक मौका दें अपने साथ एक फिल्म करने का अरुणोदय आप किसको ब्लैकमेल करना चाहेंगे
Sub. Excellent. Take that. I'd blackmail Abhinay again. क्योंकि इतना मजा आया मुझे ऐसे किरदार प्ले करने का. लेकिन सबको सबको ब्लैकमेल करते हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ निकल आता है. प्रद्युमन, अगर आप ब्लैकमेल किसी को करें तो क्या चाहेंगे? यहाँ तो पैसों की बात हो रही है. पैसे पैसे तो चाहूंगा ही. आई थिंक ऑस्कर चाहूंगा अगर ब्लैकमेल करके मिल सके. सीधा मतलब उसके लिए किसको करोगे यार? इधर करना ही नहीं है. यहाँ पे ब्लैकमेल करके फायदा नहीं है, ऑस्कर नहीं मिलने वाला. हार्वी वाइनस्टाइन. Bhushan sir, here. What are Irfan's views on all the promotions of blackmail? Sorry? What are Irfan's views on all the promotions of blackmail? See, we all know, he's not well. He's gone for treatment. And hopefully he'll come back soon and he'll join our promotion. But still, he has watched the film. He loved it. And unhone film unko bahut pasand aayi hai, toh he wants ke isko hum bahut achhi tarah release kare. Which we are doing it now. Hi Abhinav ji. आपने काफ़ी सारी फिल्में की हैं, लेकिन एक ब्लैक कॉमेडी के साथ आपका जो लगाव है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है. दिल्ली वैली हमने देखा और आउटस्टैंडिंग थी वो फिल्म, और अब ब्लैकमेल. तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है ब्लैक कॉमेडी पे काम करना और उस पर फिल्म बनाना, बट क्योंकि बहुत कम डायरेक्टर्स हैं जो इसको हाथ लगाते हैं. वो तो पता नहीं कि कितने लोग उसमें हाथ डालते हैं नहीं डालते, लेकिन मैं तो मेरे ख्याल से ब्लैक कॉमेडी या क्वर्की कॉमेडी, एक डार्क ह्यूमर जो होता है, वो हमारे लाइफ का एक हिस्सा है. एक्चुअली हम बस उसको फिल्मों में नहीं देखते या अब तक नहीं देखा है. अगर हम अपनी लाइफ में झांके या हमारे नेबर्स की लाइफ में झांके, तो डार्क कॉमेडी ही चल रही है हर जगह पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो आई थिंक ये समय आ चुका है कि हम उसको लोगों के सामने लाएँ, उसको इस तरीके से लोगों के सामने रखें कि वो एंटरटेन भी हों. ऐसा नहीं है कि डार्क का मतलब यही हो कि भाई एकदम कुछ बहुत ही गंभीर मामला हो रहा है, वैसा नहीं है. डार्क कॉमेडी का ये मतलब होता है कि जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते लाइफ में, ये जैसे कि हो रहा है. एक्चुअली ऑनेस्टली रियलिटी इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, एंड दैट इज सो ट्रू. क्योंकि जो रियलिटी में हो रहा है हमारे, अगर हम पेपर पढ़ सिर्फ खोल के देखें रोज का, तो हमें दिखता है कि पॉलिटिक्स लीजिए या लाइफ लीजिए या तो आम आदमी की लाइफ लीजिए, बहुत ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते. तो मेरे ख्याल से वो कोशिश कर रहे हैं हम एक एंटरटेनिंग वे से आपके सामने लाने की.